नमस्कार। तो स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, आज बात करेंगे उस सवाल को लेकर जिससे कि सरोकार है आपका। आज बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिससे कि सीधा सरोकार है आपका। और इसलिए आज मुद्दा आपका, मैं बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर आज देश में हर जगह एक ही सवाल है कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों मचा बवाल है। दर्शकों, छोटी सी घटना। कुछ हफ्ते पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर 6 लड़कियां एक अचानक से मांग कर देती हैं कि वो क्लासरूम के अंदर बैठकर हिजाब पढ़ना चाहते हैं, बस वहां से कहानी शुरू होती है। स्कूल के हेडमास्टर कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड। उसके बाद 6 से 12, 12 से 18, 18 से बढ़ते बढ़ते आज हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और इसमें पूरी तरह से ये जो लॉबी है ये एक्टिव हो गई है और अब ये लॉबी विदेशों से भी बात कर रही है, इंटरनेशनल लेवल तक बात को पहुंचा दिया गया है। कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इस तरीके से नैरेटिव को सेट कर रही हैं कि भारत में हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है कि भारत में तो भाई हिजाब पहनने ही नहीं दे रहे और जो पहन रहा है उसका हिजाब छीन ले रहे हैं। इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और डेजर्ट वाले इन मुल्कों में, इस्लामिक राष्ट्र में, जहां पर खुद का घर नहीं संभल रहा, लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई भारत में ये पाबंदियां क्यों हैं और भारत में इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है, ये समझाने के लिए तस्वीरें काफी हैं जो आपको बाजू वाली खिड़की पर दिखाई दे रही है। ये सभी तस्वीरें उन ट्वीट्स का हिस्सा है कि जहां पर किस तरीके से PFI, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसका स्टूडेंट विंग CFI, इन्होंने मिलकर, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो CFI है, इन्होंने मिलकर किस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रोपेगेंडा किया। ये CFI 2006 में दरअसल सिमी, जिसको बैन किया था, जो एक तरीके से टेररिज्म की चीजों में संलिप्त था, तो सिमी जब बैन हुआ तो उसके कई सारे लोग PFI में आ गए और यही PFI 2010 में जब रजिस्टर हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। ये PFI इससे पहले अबुल कलाम आजाद को लेकर भी एक विवाद को जन्म देने की कोशिश करता रहा है। इसके बाद अब कर्नाटका में हिजाब के नाम पर ये टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर भी काफी कि कैसे गिरा दी गई, क्या हुआ, इसको लेकर भी एक प्रोपेगेंडा चलाने की तमाम कोशिश कर रहा था और ट्वीट्स के जरिए लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन PFI अब कांग्रेस के राजस्थान में, कांग्रेस का जिसमें शासन है उस राजस्थान में, इनको इजाजत दे दी गई है कि आप रैली निकालिए, आप लोगों को भड़काइए, ये करिए, वो करिए। और PFI भी अब चौड़े में बोल रहा है कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है देश में इस वक्त। और हाईकोर्ट में, कर्नाटका हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है कि याचिका जो दाखिल की गई है, वहां पर आज कुरान शरीफ को मंगवाया गया और पूछा गया कि भाई कौन से वर्ष में लिखा हुआ है कि हिजाब पहनना इतना बेहद जरूरी है और इसको क्यों एक तरीके से लड़ाई बनाया जा रहा है कि हिजाब जो है वो भारत में मुस्लिम महिलाओं को पहनने नहीं दिया जा रहा, इस तरीके से क्यों एक बकवास को जन्म दिया जा रहा है और क्यों एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर ड्रेस कोड है, जहां की यूनिफॉर्म है, वहां को लेकर इस तरीके का एक नया ये प्रयास क्यों किया जा रहा है, एक टेंशन क्यों क्रिएट करने की लगातार कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और सीधे बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान में PFI को इजाजत दी है कि वो रैली कर सकते हैं, वो मार्च कर सकते हैं और अब PFI और मजबूती के साथ लोगों को भड़का रहा है और पूरे भारत में ये हिजाब वाला टेंशन वाला वायरस जो उसको क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे अब पूरी हिजाब की जो टेंशन है पूरे देश में फैलाने के लिए अब निकल पड़ा है PFI और इसके पीछे राजनीति करने वाली पार्टियां अब तरह तरह से इसको सपोर्ट कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये हिजाब का मुद्दा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देश में तमाम अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं लेकिन हर राजनीतिक दल इसको अपने अपने तरीके से भजाने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों कोशिश कर रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी साही साहब जुड़ेंगे BJP से, सुधा मिश्रा जी जुड़ेंगी कांग्रेस से और संजीव चौधरी साहब जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। ऑन द स्क्रीन प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले तो मैं अश्विनी साही साहब आपके पास आना चाहूंगा। अश्विनी साही साहब,
आप कहेंगे कि आपको घेरने के लिए, आपको चारों तरफ से राजनीतिक रूपों से घेरने के लिए राजनीतिक रूपों ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या आप लोगों को सही से संभाल नहीं पा रहे कि किस तरीके से ये मुद्दे जिनका कोई रूल ही नहीं है और विदेश में तक इसकी बातें हो रही है, कुछ कोई लॉबी ऐसी है अश्विनी साही साहब जो लगातार इस पर लगातार ट्वीट कर रहा है, लगातार आर्टिकल्स लिख रहा है और विदेशी मीडिया इसको छाप रहा है और इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई भारत में तो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा, उनके राइट्स छीन लिए गए, स्नैच कर लिए गए उनके राइट्स, तो ये परेशानी कहां से पैदा हो रही है? देखिए, ये बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। ये पहला मुद्दा नहीं है जो भारत से बाहर ले जाया गया है। इसके पहले भी कई मुद्दे भारत से बाहर गए हैं, सीए पर देख लीजिए, 370 पर देख लीजिए। ये तो एक मुद्दा बड़े छोटा मुद्दा था, जैसा आपने कहा बहुत छोटा मुद्दा था ये, और इस मुद्दे को किस तरीके से हवा दी गई, उसके तार जोड़ने की कोशिश करिए। कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष का जिस दिन ये बवाल होता है वहां उसी दिन एक ट्वीट आता है, ट्वीट में ये सब चीजें लिखी जाती हैं और पूरे देश को बताया जाता है कि हाँ यहां पर ये हो रहा है। जबकि उस कांग्रेस के बड़े नेता ने जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां के ऑनरेबल हाईकोर्ट का फैसला नहीं देखा, नहीं समझा, क्योंकि वो पूरे विश्व की बड़ी चीजों पर नजर रखते हैं तो उनको मौका नहीं मिला होगा ये सब देखने का, और सतही बातें कर जाते हैं कभी कभी, तो वो उन्होंने किया, जिसकी परिणति आज राजस्थान में कोटा में पीएफआई को मिली, जो पीएफआई ने उस मुद्दे को पूरा लेकर और आज रैली निकाला है, जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने उनको इजाजत दी है पीएफआई को कि आप कोटा में रैली निकालिए और लोगों ने रैली निकाला है। तो इस तार को मैं जोड़कर आपको ये बताना चाहता था कि इस छोटे से मुद्दे पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस 6% की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में और अब उनको 2% का भी कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है वोटरों पर, तो कोई ना कोई एक मुद्दा क्रिएट करो और भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लो। ठीक है, एक एक राउंड करेंगे, फिर स्टार्ट डिबेट को ओपन करेंगे अश्विनी शाही साहब। लेकिन एक और चीज है, लेकिन लोग एक और बात कर रहे हैं कि ये छह लड़कियां अचानक से कहती हैं सडनली कि नहीं, हम हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर बैठेंगे, हमें ज्यादा समझ आएगा। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा बनता ही नहीं अगर बाहर ये सेफरन शॉल डालकर जिन लड़कों ने कैओस क्रिएट किया, हंगामा क्रिएट किया, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज दरअसल ये काम कर रही हैं, उनके हिंदू संगठन जो हैं, टुकड़ियां जो हैं, वो ये काम कर रही हैं और बीजेपी को इनका सपोर्ट है, तो इधर भी तो गलती हुई है। अगर इधर से हंगामा ना बरपा होता तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता। देखिए, ये सरासर गलत हुआ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वो जो उपद्रवी उनको मैं कहूंगा, वो जो थे उनके खिलाफ इन लोगों को मुकदमा लिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो भी हुआ है तो गलत हुआ है। वहां पर जब किसी पूरे देश में स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है, एक यूनिफॉर्म पहन के कोई भी जाता है, चाहे स्कूल में जाता हो, कोर्ट में जाता हो, आज जिसको माननीय हाईकोर्ट में ये मुद्दे की सुनवाई हो रही है, वहां जज साहब भी यूनिफॉर्म में होते हैं और वकील साहब भी यूनिफॉर्म में होते हैं, वहां कोई हिजाब पहन के नहीं आता है। तो इस मुद्दे को उन लोगों ने अगर बढ़ाया, गलत किया, ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के लिए किया गया है। मैं तो कहता हूं उनको चिन्हित करिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, वहां की सरकार को जेल में डालना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन ये भी करना चाहिए कि जो एक लड़की वहां बाहर निकल कर आती है उसके पीछे 6 कैमरे कहां से आते हैं, ये कहां से प्रायोजित था, प्रोजेक्टेड है, स्टेज है, ठीक है, फिल्म्ड है, ठीक है, चलिए। लेकिन ये लोग सो कॉल्ड जो लॉबी है इसको शेरनी कहकर प्रोजेक्ट करके और इंटरनेशनल मीडिया तक इस बात को फैलाई जा रही है। ठीक है, अब मैं सुधा मिश्रा जी के पास जाऊंगा सीधे। सुधा जी, आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझती होंगी कि हम जब स्कूल में थे, आप भी होंगे, सब लोग स्कूल कॉलेजेस में थे, तो हमने एक चीज देखी थी कि हिंदुओं की अगर बात करूं, हिंदू महिलाओं की बात करूं, कि अगर घर में त्योहार भी होता था और मेहंदी भी लगा ली जाती थी तो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते थे तो कोई ना कोई टोक देता था, या तो टीचर हो, पीटीआई के हो, या प्रिंसिपल हो, कोई ना कोई कह देता था कि व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अलाउड इन स्कूल, ये स्कूल में अलाउड नहीं है, ये कॉलेजेस में अलाउड नहीं है, ये आप मेहंदी लगाकर नहीं आ सकते, इस तरीके से नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये चीजें थी और हम सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, बीट मुस्लिम और हिंदू, सबको एक्सेप्टेंस थी इस चीज को लेकर।
सब मानते थे इस चीज को कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है जो गरीबी अमीरी का भेद हटाती है, जात पात का भेद हटाती है और धर्म का भी भेद कहीं ना कहीं तक हटाती है। लेकिन आज अचानक से अगर ये मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की गई ये पीएफआई के सदस्यों के द्वारा, सीएफआई के लोगों के द्वारा, और इस मुद्दे को अगर वहीं दबाकर, इस मुद्दे को वहीं खत्म ना करके, इसको एक तरीके से डिसमिस ना करके अगर आप इस मुद्दे को फ्यूल करने का काम कर रहे हैं, और अगर आप पीएफआई को राजस्थान में इजाजत भी दे रहे हैं कोटा में कि आप ठीक है अपना समझाइए लोगों को जैसे समझाना हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता और प्रियंका गांधी भी इसको लेकर पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझती हैं और सीधे बोल देती हैं कि नहीं कुछ भी पहन सकता है, सबको इजाजत है, जबकि कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो स्कूल के अंदर अगर इस तरीके का, स्कूल के नाम पर एक छोटी सी हरकत, अगर हम काले जूते की जगह सफेद जूता भी पहन जाते थे तो हमको मना कर दिया जाता था, अगर बड़ा तिलक लगाकर गलती से भी सुबह पूजा करके चले गए तो मना कर दिया जाता था, तो ये नॉर्मल चीज थी। लेकिन आज आप राजनीतिक कारणों के चलते इस चीज को हवा क्यों दे रही है? सुधा जी। जी बिल्कुल, सबसे पहले कामिन जी मैं आप बता दूं कि आपने भी कहा कॉन्टेक्स्ट लोग समझते नहीं किस बात में क्या गया, प्रियंका जी ने जो कहा था उसको पूरा उलट के प्रयोग कर रहे हो। प्रश्न पूछा गया था, प्रियंका जी इसमें कूदी नहीं थी बोलने के लिए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न किया गया कि आप क्या सोचती हैं, क्या महिलाओं को इसके बारे में जो चीजें हो रही है होनी चाहिए, तो उनका उत्तर था कि स्त्री क्या पहनती है उसकी अपनी मर्जी, और स्कूल कॉलेज की बात भी क्वेश्चन में नहीं थी। आप लोग प्रश्न का जो उल्टा, तो प्रियंका गांधी जी को वही क्लियर करना चाहिए था, प्रियंका गांधी जी को वही क्लियर करना चाहिए था कि पत्रकार साहब ये गलत सवाल है, यहाँ देश में हर महिला को हर चीज की इजाजत है, पत्रकार साहब ये गलत कह रहे हैं आप, यहाँ तो हर किसी को इजाजत है, प्रियंका गांधी को नहीं पता क्या कि सबको इजाजत है? और उसके बाद कामेन जी आप भी जानते हैं कि उस समय जो पीसी चल रहा था, चूंकि आप कहते हैं मेरे दोस्त थे वहां पे, तो आपको पूरी बात पता भी होगी कि क्या प्रश्न पूछा गया था, उसके प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न क्या आया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि स्कूलों के नियमों को तिलांजलि दे और हम कह रहे हैं कि ये सब पहनो, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हर स्त्री का अपना अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। लेकिन प्रश्न का उन्होंने कहा कि आपसे जी, उन्होंने कहा था कि एक मिनट में अपनी बात पूछ, जो हाँ। पत्रकार ने प्रश्न किया उसके बाद एक लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी पत्रकार बहन, उन्होंने कहा मगर मैं आपसे कहूँ अपना स्कार्फ हटाएंगी तो क्या आप हटाएंगी, उन्होंने कहा एक ऐसा प्रश्न है, उन्होंने कहा था ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप क्या पहनना चाहती है, लेकिन किसी स्थल विशेष की बात नहीं हुई थी, हम सभी स्कूल से होके आए हैं, हम सबने उन नियमों को बांधा है, सबने माना है, क्योंकि वहां पे समानता की बात थी, जो अनेक धर्मों के लोग थे उनको एक किया गया था, कभी किसी ने ये नहीं कहा आपसे या हम में से किसी ने ये नहीं कहा कि हम कहते हैं कि नहीं हिजाब पहन के वहां पे जाने देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात और संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात दोनों बातें अलग हैं, उसको मिक्स करने की पहले जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो आपसे मैं प्रश्न में कहना चाहती हूँ कि प्रियंका जी की बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने से अच्छा है कि हमारे माननीय सीएम जी क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। वो कह रहे हैं कि मैं भगवा पहनता हूँ, किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ मुस्लिम स्त्रियों की आंखों में आंसू कि उनको जबरदस्ती पहनना पड़ता है हिजाब। ये क्या कहने का मतलब था? आप समझते हैं कि इसके कहने से आप जातिगत चीजें फैला रहे हो, आप वहां पे आग लगा रहे हो, आपको वहां पे वो कहने की जरूरत नहीं थी। आप बोलते कि मेरा मन है कि मैं भगवा पहनू चाहे मैं पहनू, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन आपने जो ये बोला उसमें लाइन जोड़ दी कि मैंने मुस्लिम स्त्रियों की आंखों में आंसू देखे हैं, कोई बच्ची अपने मन से हिजाब नहीं पहनती, आपको ये कहने की जरूरत क्या थी? इस बात पे प्रश्न खड़ा करिए, न कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात की गई है इस पे प्रश्न। जी ने संस्थानों में हिजाब पहनना बिल्कुल नहीं कहा था, इस पे कोई बात नहीं थी, तो जो बात वो उस परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं कि शालीनता अगर भाषा से छोड़ दी जाए तो भाषा और आपका व्यक्तित्व दोनों निर्वस्त्र होते हैं, ठीक है, तो भाषा की शालीनता सबसे जरूरत ठीक है जरूरी। सुधा जी मैं बस इतना जानना चाह रहा था क्योंकि लोग जो है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को सुनते भी है, प्रियंका गांधी जी को मानते भी है, प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता भी है, ठीक है। पहली चीज, अगर कोई भी पत्रकार, पत्रकारों का काम है सवाल करना, अगर कोई भी पत्रकार ऐसा सवाल कर रहा है जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उसको आप वहीं पर बोल सकते हैं। अगर मुझसे कोई कह दे पत्रकार या आपसे कह दे कि हिजाब को लेकर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं स्कूल में अलाउड नहीं है, तो नहीं है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस कोड है, वहां पर है। इतनी सी बात थी, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी को इतनी सी बात बोलनी चाहिए थी, उसको चुप कराना था, उनको बोलना था कि क्या आप किसी और देश में रहते हो। सुधामेन जी, मैं अगर इस बात को कह पा रही हूँ, आपको स्पष्ट तक कह पा रही हूँ, मैं उस पीसी में थी इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं होती तो शायद मैं आपसे ये बातें ना कह रही होती, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी, प्रश्नों को मैं सुन रही थी, प्रश्नों का उत्तर क्या दे रही थी मैं वो सुन रही थी,
इसलिए मैंने आपको कहा अगर मैं शायद वहां पे ना होती तो मैं इसका जवाब आपको बोल देती कि उनको ये बात बोलनी चाहिए थी या नहीं, मैं उसमें वहां मौजूद नहीं थी। ठीक है, उसको लेकर क्या हुआ कि काफी उत्तर प्रदेश में मजाक भी बनाया जा रहा है। आपको बताता हूँ कैसे। प्रियंका गांधी जी वहां पर कह देती अगर उस पत्रकार को, एक सेकंड, उपाध्याय था मेरा दोस्त है, अगर उसको वहीं बोल देती कि देखिए आप गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कौन से भारत में रहते हैं, यहां भारत में लड़कियों को हर तरह का कुछ भी पहने चॉइस है, आजादी है, इसको लेकर बोलने की जरूरत थोड़ी ना है। मुझे कोई जरूरत नहीं है अश्विनी जी को याद दिलाने के लिए कि अश्विनी साहब आपको हर कपड़ा पहनने की इजाजत है, उनको पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अश्विनी जी कल मंकी कैप लगाकर और बरमूडा पहनकर किसी कॉलेज के अंदर लेक्चर देने चले जाएंगे, नहीं जा सकते, एक तरीका होता है। तो वही चीज है, तो अगर वो ये बोल रही है कि इस देश में बिकनी पहनने की इजाजत है, साड़ी पहनने की इजाजत है, हर चीज पहनने की इजाजत है, ये हर किसी को पता है। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, आज के नेताओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो कहां तक जा सकता है। कामेन जी, दूसरी चीज, आपके जो पत्रकार बंधु ने प्रश्न किया था कि आप क्या सोचती है कि स्त्रियों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, नहीं मैम ये नहीं बोला था, हिजाब को लेकर बोला था। ठीक है, एक और चीज आपने बोला, बिल्कुल अश्विनी जी आप ही पर आ रहा हूं, एक एक राउंड कर लूंगा फिर डिबेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, एक और चीज आपने बोला, पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है, तो आप एक बात बताइए कि तीन साल की बच्चियों को, योगी जी ने बोला, ठीक है, तीन साल की बच्चियां हैं, अगर उनको भी हिजाब पहना के आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर घूम रही है, तीन साल की बच्ची की कौन सी चॉइस होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है आपसे, ठीक है, दूसरी चीज ये है आपसे, केरला के गवर्नर को मैं सुन रहा था, केरला के गवर्नर को मैं सुन रहा था और वो एक बहुत किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को कोट करते हुए बता रहे थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो बता रहे थे कि हिजाब के अंदर जो व्यक्ति है वो हमेशा ही ऑप्रेस्ड है, चाहे उस हिजाब के अंदर वाले व्यक्ति को पता हो या ना पता हो इस बात का, ठीक है ना। और ये दूसरे मुस्लिम देशों से अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं तक गलत है, क्योंकि वहां पर अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन रही हैं तो वहां पुरुष भी कुछ ना कुछ पहन रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो भारत में इतनी आवश्यकता नहीं है इस मुद्दे को इतना बड़ा करने की, लेकिन ये किस तरीके से अब तो खुलकर सामने आ गया कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन इसमें आपकी जैसी बड़ी पार्टी कांग्रेस फ्यूल भरने का काम कर रही है, ये चीज कहीं ना कहीं तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब मेरे साथ नहीं, बिल्कुल कमेंट जी, हम इसमें फ्यूल नहीं भर रहे, फ्यूल जो भर रहा है अभी वो बोलने वाला है। ठीक है, मतलब संजीव जी, संजीव चौधरी साहब आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप छोटे से छोटे मुद्दे को, बड़े से बड़े मुद्दे को आप पकड़ने वाले व्यक्ति हैं। आप अगर योगी जी ने कह दिया कि गर्मी कम कर देंगे तो आपने तुरंत पलट कर बोल दिया कि गर्मी का हुआ चर्बी, तो आपने कहा कि हम चर्बी कम कर देंगे, आप हर चीज पर डायलॉग करते हैं, लेकिन ये पहली घटना ऐसी है हिजाब को लेकर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। किस चीज का डर है आपको कि कहीं पोलराइज ना हो जाए, कहीं मुस्लिम वोट को साधने के चक्कर में, जैसा कि 2017 से पहले आप पर आरोप लगते थे, तो कहीं वही चीज एक बार फिर देखने को ना मिल जाए, डर है इस बार आपके अंदर, इसलिए हिजाब वाले मैटर पर आपके नेता ने कुछ भी नहीं बोला है। ऐसा नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें सब समाज की वोट मिल रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सर्व धर्म सर्व जातियों की वोट समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य गठबंधन को मिल रही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, हर प्रवक्ता की स्टैंडर्ड लाइन है। मुझे ये बताइए हिजाब को लेकर आपका क्या कहना है। जब 10 तारीख में रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये स्टैंडर्ड लाइन नहीं है। ठीक है, हिजाब का मैटर जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि कर्नाटका में हिजाब का जो 6 लड़कियों से शुरू हुआ था, ये दरअसल सीएफआई की मेंबर्स हैं, पीएफआई इसको पूरी तरह से लीड कर रहा है और अब पीएफआई जो है वो अलग अलग राज्यों में, 23 राज्यों में इनका प्रभुत्व है, तो 23 राज्यों में अलग अलग तरीकों से ये इस मैटर को और बड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारत में महिलाओं को तो हिजाब पहनने की आजादी नहीं है, बेवकूफ बना रहे दुनिया को। देखिए बड़े भाई जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पैरवी की थी भारतीय जनता पार्टी की, कि 3 साल की बच्ची को कैसे पनाया जा सकता है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, मैं भी हिंदू हूं, हमारी भी छोटी बहन बेटियां हैं, बच्ची हैं 2 साल की 3 साल की, हम उनको मंदिर में बैठा के मंदिर में पूजा करना सिखाते हैं, उनको कहते हैं आप पूजा करिए और आप इस तरीके से करिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार पॉइंट आपने मारा, बहुत शानदार पॉइंट, नहीं 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 इंप्रेस कर दिया आपने। पहले मेरी बोलने तो दीजिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए पूरा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं ठीक है, आपने अभी कहा
कि योगी जी ने जो कहा कि 3 साल की बच्चियों के लिए योगी जी ने कहा था कि उन बच्चियों पे क्यों पहनाया जा रहा है हिजाब, मैं उसका जवाब, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने उसको एक एग्जांपल के तौर पर कहा था। आप बात सुनिए, आप बोलने तो दीजिए मुझे। हमारे घर में जो मंदिर होता है, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बच्चियां होती हैं, चाहे बच्चे होते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है, हमको किस किस देवता की पहले पूजा करनी है, किस तरीके से हमें आराधना करनी है, ठीक है, और सर पे कपड़ा रखना है हमें, या रुमाल रखना है, या चुन्नी रखनी है, वो हम उन बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। ये शायद भूल नहीं सकता कोई आदमी, ठीक है। अगर नहीं सिखाते हो तो आप बता दीजिए। बिल्कुल संजीव जी, मैं बताता हूँ, संजीव जी मैं बताता हूँ, तभी तो ठीक है। संजीव जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ दर्शकों। अब संजीव जी थोड़ी देर के, संजीव जी थोड़ी देर के सुन लीजिए, पूरा मुझे मौका तो दीजिए आप, ठीक है, कंप्लीट करिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए, कंप्लीट करिए, पूरी बात होगी, ठीक है। रहा उसके बाद, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है बिल्कुल, ये जो हिजाब का जो मैटर उठाया जा रहा, ये ना तो किसी पार्टी के द्वारा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। आप इसकी जांच करा लीजिए, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पांचों राज्य की जनता और हमारे देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इन इन ढोंगियों के और जो ये पाखंडी लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश को ठग लिया, ठीक है, चले ठीक है, खा गए, जो इस देश को बेच लिया, ये इनके बहकाव में उत्तर प्रदेश की जनता या अन्य प्रदेशों की जनता हमारी आने वाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं संजीव चौधरी साहब, और भी लोगों की तरफ बढ़े, एक मिनट में पूरा हो गया, ठीक है। हमारी जनता चाहती है विकास, हमारी जनता चाहती है रोजगार, हमको रोटी चाहिए, हमको 2 टाइम की रोटी चाहिए, हमको ये इस हिंदू और मुसलमान और मंदिर मस्जिद में मत बांटिए, ये इनसे उग चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जनता, ये कहना है हमारा, ठीक है, ठीक है। आपका हो गया कंप्लीट, अब मैं बोल सकता हूँ, जी जी ठीक है। अब मैं सीधे आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि हमारे साथ फरा फैज जी भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप थोड़ा देर से जुड़ी, आप एडवोकेट भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, लेकिन अभी अब थोड़ा दर्शकों से भी बात करते रहना चाहिए, आप 4 मेहमान हमारे साथ हैं, दर्शक भी हैं। दर्शकों अभी मैंने समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हैं संजीव चौधरी साहब, इनसे मेरी ये बात हो रही थी कि किस तरीके से 3 साल की एक बच्ची को, मैंने किसी भी नेता को कोट करते हुए नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 3 साल की बच्ची भी अगर हिजाब में हमको मार्केट में दिख जाती है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से पैट्रियार्कल सोच जो है वो आज भी किस तरीके से कायम है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन का सबूत भी है। इसको काउंटर करते हुए अभी हमारे संजीव चौधरी साहब बोले कि छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा है कि पूजा करते हुए देखा होगा कि किस तरीके से माता पिता सिखाते हैं कि प्रार्थना करो, आपने ये भी बोलने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बच्चों को लड्डू गोपाल बनाया जाता है। आपको एक बात बताता हूँ संजीव चौधरी साहब, छोटे छोटे बच्चों को लड्डू गोपाल बनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को प्रार्थना कराई जाती है, ये संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी बच्चियों को अगर दुआ फरमाते देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है, उन्हें नमाज पढ़ते देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, आप गलत चीज़ को गलत जगह कंपेयर कर रहे हैं। राजस्थान में बाल विवाह एक ऐसी प्रथा थी जो इतने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई थी, जिसको काउंटर किया गया, जिसको रोका गया, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि ये गलत प्रथा थी, इसके लिए लड़ाई लड़ी बहुत लोगों ने। घूंघट यहां तक होता था कि कभी किसी को चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन राजस्थान में इसके लिए लड़ाई लड़ी गई और इस प्रथा को भी धीरे धीरे खत्म किया गया। सती प्रथा के खिलाफ बहुत लोग लड़े, ये गलत था और इसको खत्म किया गया। तो जो गलत चीज है उसको आप कंपेयर मत कीजिए किसी अलग चीज से, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। छोटी बच्चियां जब दुआ में होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, ऐसे ही छोटे बच्चे जब लड्डू गोपाल बनते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये दोनों एक चीज है जो पॉजिटिव है, लेकिन आप नेगेटिव चीज को यहां पॉजिटिव से कैसे काउंटर कर रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है। फरा फैज जी भी हमारे साथ जुड़े, एक प्रदेश के मुखिया के मुंह से क्या यह शोभा देता है एक किसी एक धर्म जाति के लिए इस तरीके से बातें करना, उनको सर्वधर्म के लिए बोलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको सर बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, ठीक है, हिजाब पर डिबेट है, ठीक है, ठीक है, डिबेट को चुनाव के बाद बिल्कुल कोई चर्चा नहीं। अरे ठीक है, आपको शुभकामनाएं, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं, ठीक है। फरा फैज मैम भी हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट हैं। फरा जी ये बताइए सबसे पहले कि आज हाईकोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई चल रही थी और जो जस्टिस साहब थे उन्होंने
कुरान शरीफ कोई मंगवाया, उन्होंने कहा कि कहाँ वर्स लिखा हुआ है, इसको लेकर काफी चर्चा थी। साथ ही साथ जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इकरा का जिक्र ज्यादा है, मतलब शिक्षा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ये शिक्षा के ऊपर हिजाब कहां से इतना हावी हो गया कि अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से, मैं बहुत आपसे इत्मीनान से बात करना चाहूंगा कि किस हिसाब से छह लड़कियां जो कह रही हैं कि हमको क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत दो, एकाएक उसकी वजह से कितनी सारी लड़कियां जो हैं वो शिक्षा से महरूम हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको नहीं लगता कि गलत है, कहीं का ड्रेस कोड है उसको मानना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, और ये जो एक्चुअली डिस्प्यूट था वो बच्चों के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच का डिस्प्यूट था, जिसको इतना ज्यादा फैला दिया गया है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सोची समझी जो साजिश है और षड्यंत्र है ये उसके तहत ये सब किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये कलाम पाक का हिस्सा है या कुरान शरीफ का हिस्सा है या इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हमें आर्टिकल 25 में जो है वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है इन लोगों से जो प्रोटेस्ट कर रही हैं जो लेडीज, कि अगर आप ये कह रही हो कि ये मेरी राइट है, हिजाब इज माई राइट और ये मेरी चॉइस है कि मैं पहनूं या ना पहनूं, तो अगर ये इंटीग्रल पार्ट है और एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन की, तो ये आपकी चॉइस भी हो सकता है। और अगर आप इसको कलाम पाक से जोड़ रहे हैं, कुरान शरीफ से जोड़ रहे हैं, तो ये आपकी बिल्कुल चॉइस नहीं हो सकती। डायरेक्टर थोड़ा सा ऑडियो ऑफ करिएगा, हल्का सा ऑडियो ऑफ करिएगा। जी मैम बोलिए। जिस तरह से तलाक-ए-बिदअत का कलाम पाक में कोई जिक्र नहीं था, ये सिर्फ जो हमारे यहाँ के फंडामेंटलिस्ट थे उन लोगों ने एक नई चीज इजाद की और उसको एक नया नाम दे दिया तलाक-ए-बिदअत, और तलाक-ए-बिदअत को जबरदस्ती इम्पोज कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी पर और फतवे देते थे। ये जो हमारे यहाँ की फैक्ट्री है जिसे हम दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, उसको मैं फतवा फैक्ट्री कहती हूँ। ये हर वक्त औरतों के लिए फतवे जारी कर देते थे, ये कभी मर्दों के लिए जारी भी करते। अब अगर हम कलाम पाक की बात करते हैं तो उसमें वर्ष नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 24 के सूरह नूर में जहाँ इस पर्दे का जिक्र है, लेकिन उससे पहले वर्ष नंबर 30 में बिल्कुल वही वर्ष में मेल के लिए जो है वो पर्दे का जिक्र है। और पर्दे का जिक्र किस तरह से है कि अपनी निगाहें नीचे कर ली जब आप गैर मैडम से बात कर रहे हो, ये चीज औरतों के लिए किसी मर्दों के लिए। और उन्होंने कहा है कि एंड बी मॉडेस्ट, बी मॉडेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा डिसेंट वे में होना चाहिए, वो उससे कोई अश्लीलता नहीं झलकनी चाहिए। तो आप इस चीज को इस तरह से कि भाई आप एक औरत को जो है जबरदस्ती बुर्कन हेडिस कार्ड में कैद कर दीजिए, मर्द के लिए तो फिर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं, जब दोनों पर सेम है मर्दों के लिए औरतों के लिए भी, तो बुर्कन में बस सिर्फ औरत क्यों, मर्द क्यों नहीं? तो अगर जैसे अभी सवाल आ रहा था कि बीजेपी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन टेबल कर रही है, तो मेरा सवाल ये है जो और पार्टीज है, ये ट्रिपल तलाक का जब मुद्दा आया अब ये सब लोग चुप थे, और आज हिजाब का मुद्दा आया आज भी सब लोग चुप है, कोई आवाज नहीं उठाता। अगर बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है तो मेरा सवाल ये है कि जमीयत उलमाए जो 5 लाख रुपए करते हैं उस बच्चे को लेकर है और प्रमोट करता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आप फेयर नहीं हो, ये हो, तरह के डॉक्टर उसको दिए जा रहे, तो वो क्या चीज थी? 5 लाख रुपए का चेक सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने पूरे स्कूल का माहौल खराब कर दिया, उसके लिए 5 लाख रुपए का उस बच्चे का ट्रीट मैंने देखा है। वो अपने वीडियो में कह रही है कि उसे उन लड़कों से कोई आपत्ति नहीं है जिन्होंने उसको मॉलेस्ट किया, उनके प्रीमाइसेस में आकर उन्होंने जय श्री राम के नाम ही लगाए, उससे उसको कोई आपत्ति नहीं है। जिस स्कूल ने उसको अलाउ नहीं किया अंदर एंट्री होने से, उससे उसको उन लोगों से उसको कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर उसको कोई आपत्ति ही नहीं है तो फिर उसके लिए बाबा ने क्यों मचाया इतना सारा और क्यों जमीयत उलमाए से लग गया? और जब ये प्रोटेक्ट वो कर रही थी या बाहर घूमने पे बैठी थी तो किसने सबसे पहले इस चीज को जो है वो अपने स्पीचेस में लेकर के आए? असदुद्दीन ओवैसी। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो दारुल उलूम देवबंद का प्रोडक्ट है। ठीक है मैम, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद जिसने पूरे देवबंदी की तरफ चला रखा है, देवबंदी
चला दिया और जबरदस्ती जो है वो कट्टरवाद मुसलमान कम्युनिटी पे ठोकता है और अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बनाता है बताता है। तो ये सब उसकी प्लानिंग है। तो किस तरह से एक बच्ची फिर छह बच्चियां अगर बॉडी को कवर करने की बात आई है तो वो पूरी बॉडी को कवर करने की बात आई है। अब ये नहीं आप कह सकते कि भी हम फुल प्रीमाइसिस में जाएंगे बुर्का उतार देंगे लेकिन हेड स्कार्फ नहीं उतारेंगे। हेड स्कार्फ क्यों नहीं उतारेंगे जब आपका स्कूल ड्रेस का वो पार्ट है ही नहीं तो आप उसे जबरदस्ती ओढ़कर क्यों पूछ जाएंगे क्यों वहाँ डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन के जो है वो लार्जर है लार्जर फंडामेंटल राइट्स हैं और नॉन नेगोशिएबल है। ये चीज बिल्कुल क्लियर अपने जजमेंट में 2018 में कर चुका है और जिस जस्टिस ने ये जजमेंट डिलीवर किया था वो खुद एक मुसलमान थे जस्टिस मोहम्मद मुश्ता। तो उन्होंने सब चीजों को सोच के समझ के सारे साइटेशंस को कोड करके तब ये जजमेंट दिया था। और इतना ही नहीं ये जो चीज है कि हमें हम बहुत सेक्युलर हैं और हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है हम बहुत बड़े जो है अपनी तो उन लोगों की बच्चियों ने वो कह रही थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का भरोसा है। ठीक है फरा मैं आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है फरा मैम मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ लेकिन अश्विनी शाही साहब के पास चलूंगा। अश्विनी जी एक बात बताइए कितना सिंपल है कि कुछ ही मिनट में फरा जी अगर जिस चीज को समझा सकती है बता सकती है और जिस चीज को जिस बात को मैं कह रहा था कि आप इसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। अभी हमारे चौधरी साहब हैं फ्रेम से हट गए हैं चौधरी साहब तो इसको कहाँ डिफेंड करने किस लेवल पर चले गए। तो ये बताइए आपके बीच की लड़ाई है आपकी आपस की लड़ाई है आप कोई बात कहते हैं कुछ करना चाहते हैं ये ऑपोजिशन है ये आपसे लड़ रहा है लेकिन इसके चक्कर में देश का कितना घाटा हो रहा है। आप बताइए फरा जी जो सीधे तौर पर समझा रही है कि कुछ नहीं है भाई ये कट्टरपंथियों का गेम है पूरा ये उनका खेल चल रहा है जहां मुस्लिम महिलाओं को इस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है जब 6 लड़कियां 10 15 20 महिलाएं नजर आती हैं और उसके पीछे 150-200 आदमी नजर आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हिजाब इनका राइट है। तो अश्विनी जी आपकी लड़ाई है पॉलिटिकल लड़ाई है लेकिन इसमें कहां से ये फंस जाते हैं। देखिए ये पॉलिटिकल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने पहले भी कहा और आपके चैनल पर बैठकर मैं 2-3 डिबेट कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी कहीं से इत्तेफाक नहीं रखती है पूरे मुद्दे में कहीं से इत्तेफाक नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अभी हमारे चौधरी साहब बड़े बड़े भाषण दे रहे थे क्या जरूरत थी एसटी हसन साहब को उस लड़की को 5 लाख रुपए इनाम की बात करने की। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं और मैं उंगली बार बार उठा रहा था। मैं सुधा जी से कहना चाहूंगा कि उस प्रेस को मैंने भी सुना था। हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कुछ दिन पहले तक गोवा में ही शायद हम लोग बिकनी और उसकी चर्चा करते थे स्कूलों के मुद्दे पर कभी बिकनी की चर्चा नहीं होती थी लेकिन प्रियंका जी वहां पर सलवार सूट साड़ी या कुछ और नाम ले सकती थी जींस टी शर्ट बिकनी का नाम लेकर वहां पर उन्होंने दोहरा मापदंड किया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके किया और यही दोहरा मापदंड मैं आपको बताना चाहूंगा चौहान साहब आपने अभी 3 प्रथा की बात की एक सती प्रथा बाल विवाह और घूंघट ये 3 कुरीतियां हैं ये मानता हूं। अशोक गहलोत साहब बयान देते हैं कि घूंघट में अगर जब तक महिलाएं रहेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं यही एकदम एग्जैक्ट बयान है। हाँ, सुना तो क्या हिजाब और बुरके में रहकर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। राहुल जी इसको कैसे साबित करना चाहते हैं प्रियंका जी कैसे साबित करना चाहती हैं मैं ये बोलना चाह रहा था लेकिन आपका भी लेकिन इसको बहाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने हवा दिया है। मैं तो अभी पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं उनको ढूंढिए जिसकी शरारत है और वो जो लड़के फटका डाल के घूम रहे थे मैं इनकार करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपको फिर भी आपने भी यही किया है, आपने हिजाब को लेकर जरूर आपके ट्वीट नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी के लोगों के, आपके पार्टी के बड़े नेताओं के, लेकिन जो सैफरन शॉल डालकर घूम रहे थे उनको लेकर आपने कोई ट्वीट नहीं किया, उसको एक्टिविटी को लेकर खुलकर आप नहीं दिख रहे उस एक्टिविटी को लेकर। इस प्रतिष्ठित चैनल पर मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर वो गलत किया उन्होंने, लेकिन मैंने उस पे भी तो कहा कि जो एक लड़की स्कूटी खड़ा करके आती है और कॉलेज उसका स्कूल पीछे होता है, वो आगे आके नारा लगाती है, उसको मैं स्टेज मानता हूं। अश्विनी जी, वो अश्विनी जी पूरा फिल्म है, पूरा फिल्म है, वो पूरा फिल्म है, वो पूरा स्टेज है, पूरा स्क्रिप्टेड है, वो स्क्रिप्टेड है, उसको मैं नहीं मानता। ठीक है चौधरी साहब, मुसीबत यही है, मुकदमा होना चाहिए। सुधा जी मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन चौधरी साहब, चूंकि चौधरी साहब के साथ एक समस्या है, चौधरी साहब जब भी काम की बात चल रही होती है आप चले जाते हैं। अभी फराह जी ने इतने अच्छे से पूरी बात को समझाया, फराह जी ने, अगर आप उसको सुन लेते। नहीं मैंने सुना, मैंने सुना। आपने सुना? मैंने सुना। आपने सुना? आपने पूरा सुना? तो अब आपका क्या परिवर्तन आया आप ये बताइए मुझको। आप अभी बड़ा डिफेंड कर रहे थे हिजाब को लेकर, तो परिवर्तन आया आप समझे? परिवर्तन की बात या फराह जी से ज्यादा समझते हैं मुस्लिम महिलाओं के बारे में, उसको बता दीजिए मुझे। हमने अभी पहले भी कहा ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। आप हिजाब 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 पहनकर, अरे ठीक है, अरे ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी इतनी बार मत बोलिए, यहाँ पर वो मैटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रित करके डिबेट को मत रखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, हिजाब पहनकर जो लड़कियां रकस क्रिएट कर रही थी, इसके बाद जिस तरीके से पूरे विश्व में इसको लेकर आर्टिकल्स ये सब कर रहा है, एक लॉबी जिस तरीके से काम कर रही है और इसको इस तरीके से प्रोपगेट कर रही है कि इंडिया में हिजाब पहनने नहीं दे रहे, ठीक है, चॉइस का मसला ही नहीं रखा, बोला जा रहा है कि हिजाब नहीं पहनने दे रहे आप, जबकि छोटे से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकली बात थी, तो इसको लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त है ना, आप कह रहे हैं ना कि गलत है। नहीं गलत तो देखो, जो स्कूल का कोड ड्रेस है उसको मैं थोड़ी मना कर सकता हूँ, उसको कोई भी नहीं मना कर सकता। तो मतलब वो लड़कियां गलत कर रही है, वो लड़कियां गलत कर रही है, राइट। लेकिन वो जो गले में पट्टा डाल के आए हुए हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं? अरे ठीक है, आप एक बात बताइए, वो तो इनका बीजेपी से पक्ष ले लिया मैंने, वो बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई इनको भी अरेस्ट करिए, इनके पर भी मुकदमा चलाइए। आप हिजाब पे रहिए, पहले हिजाब वाले मैटर पर रहिए, पहले आप हिजाब वाले मैटर पर रहिए, पहले आप हिजाब वाले मैटर पर रहिए। हिजाब की मैं साबित करता हूँ, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव में सभी धर्मों के घरों पे रात रात में अकवा झंडे लगा दिए और सुबह कह रहे हैं पता नहीं कौन लगा गया, ये मैं साबित कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या सवाल करता हूँ, आप सीधे बीजेपी पार्टी कार्यालय पर क्यों पहुंच जाते हैं? रुकिए आप, बीजेपी से इतना ऑब्सेस क्यों है? अगवा झंडा लगाना कोई गुनाह है क्या? अगवा झंडा लगाना गुनाह है चौधरी साहब? जबरदस्ती क्यों किसी के घर पे लगा रहे हो? ये आप ही हो। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अश्विनी जी ठीक है, सुधा जी के पास आऊंगा। अश्विनी जी प्लीज, अश्विनी जी बहुत तार्किक चर्चा चल रही है। अश्विनी जी ठीक है। अरे संजीव चौधरी साहब, को ऑडियो डाउन करिए। संजीव चौधरी साहब, आपसे कोई भी सवाल करो आप घूम फिर कर बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्या ऑब्सेशन क्या है आपका, क्या समस्या है आपकी? आप घर से निकलते हैं तो क्या पहले बीजेपी के कार्यालय होकर निकलते हैं क्या? इतना ऑब्सेस मत रहिए बीजेपी को लेकर, चर्चा कुछ और हो रही है, सवाल कुछ और है। चौधरी साहब प्लीज, और कोई नहीं कर रहा। चौधरी साहब इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है आपको। जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हो रही है। ठीक है, हर समस्या इन्हीं की तरफ से हर, अब कल को मैंने बोल दिया था, कल को वो शिल्पी जी थी सपा से, उनको मैंने बोल दिया, वो भी यही कह रही थी कि सब बीजेपी बीजेपी। अरे क्या ठीक है, डिबेट किसी और मुद्दे पर हो रही है, ठीक है, हर समस्या ऐसे मत बोलिए कि जिस पर काउंटर हो सके। अब किसी को बुखार आ गया तो वो भी बीजेपी की वजह से, जुखाम हो गया वो भी बीजेपी की वजह से। अरे ठीक है, इंडिया की टीम जीत के आती है वो भी प्रधानमंत्री जी जिताते हैं, हर चीज को यही कहते हैं हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया। ये यही कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं देश के लिए? आप बताएं देश के लिए क्या कह रहे हैं? पांच बड़े काम इनसे पूछ लीजिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो था, क्योंकि एक बात सुन यार, रुकिए, चलिए ठीक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो था वो सिविल इंजीनियर्स के द्वारा भी बनवाया गया था, उसमें काफी लोगों का हाथ था, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई सिविल इंजीनियर नहीं लेता है, अखिलेश यादव लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। चलिए सुधा जी मैं आपको एक बात बता रहा था कि किस तरीके से फराह मैम ने जो बात कही वो बिल्कुल पॉइंटेड क्लियर बात है, उनसे ज्यादा ना मैं समझ सकता हूं इस चीज को, ना आप समझ सकती, ना अश्विनी जी समझ सकते, ना कोई समझ सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज थोड़े से वोट्स के लिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज के लिए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के लिए, ऐसे मुद्दों को क्यों उठाना
जो आपको भी पता है, मुझे पता है सुधा जी कि आपको भी पता है, पता तो चौधरी साहब को भी है और पता अश्विनी जी को भी है कि ये जो चीजें हैं, कुरीतियां भी नाम की चीज होती है किसी भी चीज को लेकर, उनको रोकने की आवश्यकता है। हम एक समाज के तौर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी कामिन जी, मैं इस पे कहना चाहूंगी, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया था तो पूरे देश ने एक स्वर में इनका साथ दिया था, उसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। कुरीतियों की जब बात आपने की, कुरीतियों की जब बात अश्विनी जी आपको टोक देंगे, बात की सहमति नहीं, टोकिएगा नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, आप बाद में उसको बोल लीजिएगा, अभी टोकिएगा नहीं। जब कुरीतियों की बात होती है, आप जानते हो हम कुरीतियों को अपने लिए नहीं, उसके लिए दूर कर रहे होते हैं, उसका जो नुकसान होता है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा कि पर्दा लेने का जो तकलीफ है वो आप तो महसूस भी नहीं कर पाएंगे, तो टोकना तो आपका फर्ज बनता है, टोक देंगे। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से अगर आती हूँ तो मैंने भी घूंघट देखा हुआ है, तो मैं जानती हूँ उस चीज को, तकलीफ को, तो आपको इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो औरतों के होने के जो चीजें हैं, उस कुरीति को खत्म किया जाए, इसके लिए मैं ना कभी अपने तरफ से ये बात कहूंगी कि ये खराब है या इस पे राजनीति होनी चाहिए। जो चीज गलत है, चाहे वो अगर उसको राजनीति के लिए उसके जरा है, तो उसके लिए सबका एक साथ होना कि नहीं राजनीति इस पे तो मत करो कम से कम। और जो आप लोग बार बार प्रियंका जी को ला रहे हो, आप सुनकर सुनते हैं, हमेशा परिप्रेक्ष्य प्रसंग नहीं, पूरी वस्तु स्थिति को देखना जरूरी होता है। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि नहीं लड़कियां बहुत सही कर रही हैं, या जो भगवा पहन के बच्चा आ रहा है वो सही कर रहा है। ठीक, आपने क्लियर कर दिया, प्रियंका जी का स्टेटमेंट आपने क्लियर कर दिया, मैंने मान लिया। चलाया जा रहा है तो जो चलाया जा रहा है ना, वो करवाने की जरूरत नहीं है। राजनीति ये है, उन दोनों बच्चों को, जो दो बच्चे कर रहे हैं ना, उन्हें ऐसा नहीं हो क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, समझते ही नहीं जीवन को, उन्हें तो कोई चीज कह दिया गया कर दिए, लेकिन क्या उन्हें पता है कैसा समझदार लोग होती है कि जो संस्थाएं हैं, जो उनका महत्व है, परिवार भी संस्था है, हम उसके नियमों को मानते हैं, ये हमें सिखाना है, न कि उनको भड़काना है। और भड़काने की काम जो कर रहा है, आपको ही पता है कि किन्हीं एन केन प्रकारेण उस बात में घी डालते रहो, तो कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट को आप राजनीति के लिए दूसरों पे अपनी रोटी नहीं सेक सकते हो। ठीक है, प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट को आपने क्लेरिफाई कर दिया, मैंने उसको, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया। आपका थोड़ा सा ना कनेक्शन का व्यक्तिगत रूप से कहती हूं कि जो, ठीक है, आपका तो कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सुधा जी, बाकी आपने जो प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विनी जी, आपको ट्रिपल तलाक को लेकर आपने जो कहा उसको लेकर अश्विनी जी तब से व्याकुल है कहने के लिए। देखिए कमल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी सुधा जी ने जो कहा कि हमने और पूरे देश ने साथ दिया था, लेकिन शायद हमारी बहन भूल गई हैं कि एसपी बीएसपी और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, और कहां आप साथ थे, कहां स्टैंड। सुष्मिता जी का सुष्मिता जी का बयान आइए, सुष्मिता सेन उस समय आपके दल में थी, उनका बयान देखिए क्या आया था उस समय, और कहां से आप ट्रिपल तलाक के साथ थी, ये जरा सा आप बता दीजिए मुझे। एक देखिए साहिल जी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके किसी पे चढ़ना, ये आप लोगों की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहती है, आप लोग अच्छा काम करते हैं इस पे, कहीं पे रख को करना आता है, किसी ने एक चीज नहीं पहुंचाई है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, वो पुरानी बातें हो गई। आज सुधा जी का स्टेटमेंट क्लियर है अश्विनी जी। अश्विनी जी, कम से कम आपके एक फैसले को लेकर सुधा जी बिल्कुल खुलकर कह रही है कि नहीं हम साथ थे, और हिजाब वाली कंट्रोवर्सी को लेकर भी एक एक वर्ड में आंसर कीजिएगा। चौधरी साहब, जो कर्नाटका के जो उडुपी से जो शुरुआत हुई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम हिजाब पहनेंगे, क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनेंगे, ये गलत है या सही, एक बार में एक ही जवाब चाहिए, बस वन वर्ड। देखिए गलत वो भी है, लेकिन गलत है, ठीक है, चलिए सुधा जी जो उडुपी में, ठीक है चौधरी साहब, हो गया सुधा जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हिजाब पहना गलत है या सही है? किसी भी संस्थान के नियमों को तोड़ना गलत है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अश्विनी साहब तो गलत बता ही रहे थे, और फरा मैम ने भी इसको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया कि ये गलत है, ये है तरीका, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चीज गलत है वो गलत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी लोगों ने एक मंच से इस बात को स्वीकार किया कि ये पूरी बात जो है पूर्णतः गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक स्पेशल थैंक यू आपके लिए फरा फैज मैम, आपने जिस तरीके से समझाई, पूरी बात रखी, बहुत सारे लोगों ने आपकी बात को सुना होगा, और काफी लोग जो अभी तक इस मुद्दे को लेकर काफी कंफ्यूज थे, उनको भी इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, जो धुंध लगा रखी थी उस धुंध को हटाने का काम आज की डिबेट ने जरूर किया होगा। तो ये आखिरी डिबेट थी इस मुद्दे को लेकर, हिजाब को लेकर, और बस ये चीज दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से अगर कोई चीज गलत है किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी कहीं से भी,
अगर वो गलत है तो वो गलत है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें साथ आना चाहिए। और आज इसी मंच से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हिजाब पहनना टोटली गलत है, गलत गलत है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार आपसे मुलाकात करूंगा, धन्यवाद।